दिया कि अब कीर्तन का कीर्तन उनके यहाँ होगा जो कीर्तन बिल्कुल नहीं करा सकते, जिनके आज अवस्था नहीं है। तो बल्कि हमें रुपेश भैया ने ये बात बताई कि अगर आपने हमारे यहाँ पर कीर्तन का शुभारंभ सोचा है तो अगर वहां पर्ची निकालोगे तो मेरे जानने वाले आएंगे या हम जिनको बुलाएंगे सब सक्षम लोग आएंगे, पहला कीर्तन है तो पर्ची तो उन्हीं का उठेगी जिनके जो सक्षम है। तो ये बात समझ में आई, इसलिए ये सिस्टम किया कि जहाँ कहीं भी हम कीर्तन करेंगे वहां पर कम से कम एक दो भक्त ऐसे जिनको ये जिम्मेवारी कि उनका नंबर देंगे, कोई भी ऐसा जो नहीं करा सकता है वो उनको टेलीफोन करें और वो थोड़ी सी व्यवस्था देखकर फिर अगला कीर्तन हम उनके यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देंगे। इसमें आपका तहे दिल से और बिल्कुल निःशुल्क होगा वो कीर्तन, उस कीर्तन का कोई चार्ज कोई शुल्क किसी से नहीं। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम, मैं हार गया हूँ मेरे श्याम। यहाँ पर जितने भी बैठे हैं ना, कभी 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 ना कभी ये लाइन बोली होगी, किसी दूसरे रूप में बोली होगी, लेकिन अर्थ यही होगा। तभी बाबा ने पकड़ा है, जीते हुए को नहीं पकड़ता, जो बोलता है ना कि मैं जीता हुआ हूँ उसको नहीं पकड़ता, पकड़ता उसी को है जो बोलता है मैं हारा हुआ हूँ, है ना। तो कभी ना कभी तो हमारी पोजीशन वो थी, तो आज इसलिए हम गाएंगे कि अगर आप नहीं होते बाबा, अगर आप नहीं होते तो हम आज इस पोजीशन में नहीं होते। तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार तेरे द्वार
तेरे द्वार खड़ा, तेरे द्वार खड़ा, मैं हार गया हूँ बेशा, मैं हार गया हूँ बेशा, तेरे द्वार खड़ा, तेरे वही
अलग है। इसमें मैं नहीं बोलूंगा बोलो तालियां बजाओ, क्योंकि आज मुझे आपको नहीं दिखाना है, आज अपने ठाकुर को दिखाना है। वो स्टेज अलग होता है जहां हमें आपको दिखाना होता है, क्योंकि हमारा स्वार्थ आपसे होता है ना, यह स्वार्थ आपसे होता है अनिल जी, है ना, क्योंकि आप लोग लिफाफा देते हैं। आज आज ये देता है और ये विश्वास दिलाता है, दिल से कहो से तू प्यार।
सुन करके चर्चा दर तेरे आया, सुन करके चर्चा दर तेरे आया, परिवार लाखों का तूने चलाया, परिवार लाखों का तूने चलाया, करो मुझ पे रहम मेरे बाबा, पकड़ो मेरी माँ शान, पकड़ो मेरी माँ शान, हे शान, हे शान, तेरे दरबार में आए और आकर देखो आज तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मैंने ये आपको बता नहीं सकता, मैं मेरे भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं बता नहीं सकता कि इस 10 मिनट के अंदर में मैंने क्या पाया है, इस कीर्तन में मैंने 10 मिनट में क्या पाया है, हाथ जोड़ कर निवेदन। देखिए मैंने इसीलिए 6 महीने का, मुझे अगर लगेगा जरा सा भी कि अगर इस अरदास कीर्तन को भी लोगों ने खिलवाड़ बना दिया, उस दिन बंद कर देंगे। हमारे कलकत्ता में जब भी हम कीर्तन अरदास कीर्तन करते हैं तो सारे मोबाइल ये अरदास कीर्तन किस लिए कि आपके लॉ लगे, क्या दिखाना चाहते हैं। हर कीर्तन में बोलता हूं मैं, लेकिन हर कीर्तन में मेरी मजबूरी है कि मैं सबको नहीं बोल सकता, लेकिन प्लीज देखो मोबाइल है, आप कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप दूसरों को कनेक्ट कर रहे हो, अपना कनेक्शन